क्या पूरे मुल्क में एक शख्स भी ऐसा है जिसको पुलिस से शिकवा ना हो? पुलिस मुलाजमीन को कितने मसाइल दरपेश हैं, क्या कभी किसी ने उनसे पूछा? अवाम की फरियाद तो सब सुनते हैं, क्या कभी किसी ने पुलिस मुलाजमीन के शिकवे सुने? कसूरवार कौन, मजबूर पुलिस मुलाजमीन, मजलूम अवाम या ये करप्ट निजाम? अवाम और पुलिस के माबैन इस नफरत और इस बढ़ते हुए फासले को कम कैसे किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और मैं हूं आमिर हबीब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम दास्तान है हकीकी मजलूम अवाम और वाकई मजबूर पुलिस मुलाजमीन की। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अवाम की शिकायत और पुलिस मुलाजमीन को दरपेश आने वाली मुश्किलात की, जिनसे आम आदमी बाखबर नहीं है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का मकसद पुलिस और अवाम के दरमियान मौजूद नफरत को खत्म और फासलों को कम करने की एक कोशिश करना है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में हम वाकई मजलूम अवाम और हकीकी मजबूर पुलिस वालों की बात करेंगे, क्योंकि अवाम में से तकरीबन 70% लोगों का जिनको पुलिस रोकती है या गिरफ्तार करती है, उनका छोटा या बड़ा कोई ना कोई जुर्म जरूर होता है। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है नाज़रीन कि तकरीबन 30% ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिनका कोई जुर्म नहीं होता, उनको रिश्वत या किसी और मकसद के लिए गिरफ्तार किया जाता है। और अगर नाज़रीन पुलिस की बात करें तो 20% मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि रिस्क की तंगी के बावजूद भी रिश्वत नहीं लेते, वो पूरी ईमानदारी से अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। जबकि 40% पुलिस मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी वजह से रिश्वत लेते हैं, वो वजह या तो रिस्क की तंगी हो सकती है या कोई भी और वजह, लेकिन चले एक बात है कि वो रिश्वत लेकर कम अज कम काम कर देते हैं। लेकिन बाकी 40% तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए पुलिस में भर्ती होते हैं, उनको पुलिस की काली भेड़ें कहा जाता है। वो बदमाशी, गुंडागर्दी और जुल्म की तमाम हदें पार कर जाते हैं। वो मुजरिम या किसी भी बेगुनाह शहरी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करते हैं कि उससे ज्यादा से ज्यादा रिश्वत वसूल की जाए। आज का प्रोग्राम जालिम, गुंडे और बदमाश पुलिस वालों के मुतालिक नहीं है, बल्कि ये उन 40 और 20% पुलिस मुलाजमीन के बारे में जो कि मजबूरी की हालत में रिश्वत लेते हैं या रिश्वत बिल्कुल नहीं लेते या कम अज कम शहरियों पर जुल्म नहीं करते। नाज़रीन, पहले हम बात करते हैं पुलिस की, लेकिन आप ये प्रोग्राम पूरा देखिएगा क्योंकि पुलिस की बात करने के बाद हम अवाम के मसाइल की भी बात करने जा रहे हैं। पुलिस का इदारा हमारे मुल्क का बदनाम तरीन इदारा समझा जाता है, हर कोई पुलिस को नफरत की निगाह से देखता है और मीडिया भी पुलिस की करप्शन और जुल्मों ज्यादतियां दिखाने में पेश पेश रहता है। जिम्मेदार अफसरान भी हर वक्त रिश्वत खोर पुलिस वालों और जुल्मों ज्यादती करने वाले पुलिस वालों को रोकने के इकदाम करते रहते हैं। लेकिन अब सवाल यह है नाज़रीन कि मीडिया की इतनी निशानदेहियों के बावजूद और जिम्मेदारान अफसरान के इतने एक्शन के बावजूद क्या पुलिस वालों ने रिश्वत लेना छोड़ी? क्या उनके जुल्म ज्यादतियों में कुछ कमी वाकई हुई? क्या उनकी गुंडागर्दियां खत्म हो गई और मजलूमों को इंसाफ मिलना शुरू हुआ? यकीनन इसका जवाब है नहीं। तो नाज़रीन, आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि ये रिश्वतखोरी, ये जुल्म ज्यादतियां, ये गुंडागर्दियां खत्म नहीं हो रही? क्या कभी किसी ने इस बात पर भी ध्यान दिया? क्या कभी किसी ने असल वजूहात जानने की कोशिश की कि पुलिस मुलाजमीन रिश्वत क्यों ले रहे हैं, उनको करप्ट कौन बना रहा है? क्या पुलिस मुलाजमीन की इतनी तनख्वाहें हैं कि वो बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजार सकें? क्या पुलिस को महकमा पुलिस इंसाफ और बराबरी दे रहा है? क्या पुलिस मुलाजमीन को महकमा पुलिस अच्छी सहूलियात और इंसाफ मुहैया कर रहा है? क्या उनकी तनख्वाहें बराबरी की बुनियाद पर हैं? क्या पुलिस वालों की जान, इज्जत और उनके खानदान महफूज हैं? और क्या नाज़रीन हमारा रवैया पुलिस मुलाजमीन के साथ दुरुस्त होता है? क्या हमारा कोई जुर्म नहीं होता, सारे का सारा कसूर पुलिस मुलाजमीन का ही होता है? क्या पुलिस मुलाजमीन को इतना बाख्तियार बनाया गया है, उनको इतनी ताकत दी गई है कि वो हर मुजरिम के खिलाफ आजादाना कार्रवाई कर सके? क्या कभी मीडिया ने पुलिस का मौकफ सुना, उनके मसाइल के ऊपर बात की? मीडिया हमेशा पुलिस की रिश्वत, गुंडागर्दियां, जुल्म ज्यादतियां तो दिखाता है, क्या कभी मीडिया ने उनके मसाइल जानने की कोशिश की, उनका मौकफ बयान किया? और नाज़रीन, क्या कभी किसी ने पुलिस मुलाजमीन के इन तमाम मसाइल को जानने या उनको हल करने की कोशिश की? आज के प्रोग्राम में आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको अंदाजा होगा कि पुलिस वाले रिश्वत क्यों लेते हैं। एक दफा फिर वाजिया करता चलूं नाज़रीन कि यहाँ पर उन गुंडे बदमाश पुलिस वालों की बात हरगिज नहीं हो रही जो जान बूझ कर अवाम पर जुल्म करते हैं, ज्यादतियां करते हैं। यहाँ पर सिर्फ उन पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ जो कि वाकई किसी मजबूरी की वजह से रिश्वत लेते हैं या कि ईमानदार हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जुल्म का साथ देना भी एक बड़ा जुल्म है। तो हम बात करते हैं नाज़रीन कि पुलिस वाले रिश्वत क्यों लेते हैं, ये इतने करप्ट क्यों हैं,
इनकी क्या वजूहत है। नाज़रीन, रिश्वत लेने की सबसे पहली और बुनियादी वजह यह है कि भर्ती से ही करप्शन शुरू हो जाती है। जब पुलिस मुलाजमीन को भर्ती किया जाता है तो उनसे लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं। बहुत से लोग पुलिस में भर्ती होने के लिए कर्जा लेकर ये रिश्वत की रकम अदा करते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए नाज़रीन कि जब एक शख्स भर्ती होने के लिए लाखों रुपए अदा करेगा तो क्या वो ईमानदारी से अपने फराइज सर अंजाम देगा। नाज़रीन, पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाह इंतहाई कम है। एक पुलिस कांस्टेबल की तनख्वाह 16,000 रुपए से शुरू होती है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जिस घर में 6 से 10 अफराद खाने वाले हों, क्या वहाँ पर 16,000 रुपए में आज के दौर में गुजारा मुमकिन है। और नाज़रीन, पाकिस्तान रेलवे की पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट से आर्डर आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और नाज़रीन, रिश्वत लेने की एक और वजह यह है कि पहले तो हम जुर्म करते हैं या गलती करते हैं, फिर जब पुलिस वाला हमको गिरफ्तार कर लेता है तो हम रिश्वत देकर उससे बचने की कोशिश करते हैं। जब हम बार बार पुलिस मुलाजम को पैसे देने की कोशिश करेंगे तो फिर पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, आखिरकार वो पुलिस मुलाजम पैसा ले ही लेता है। और नाज़रीन, रिश्वत लेने की अगली वजह यह है कि जब पुलिस मुलाजम किसी मुजरिम को पकड़ते हैं तो वो इसलिए रिश्वत लेके छोड़ देते हैं क्योंकि उनको मालूम होता है कि जब हम इसको पकड़ कर थाने लेकर जाएंगे तो वहाँ पर इसकी सिफारिशें आना शुरू हो जाएंगी और मजबूरन हमारे ऑफिसर को इसको छोड़ना पड़ेगा, लिहाजा इससे कुछ ले दे के यहीं पर मामला रफा दफा कर दिया जाए। और नाज़रीन, आखिरी वजह यह है कि कुछ मुलाजमीन सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच में रिश्वत वसूल करते हैं। वो हर शहरी से, चाहे किसी ने छोटा जुर्म किया या बड़ा, उससे रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं। नाज़रीन, पुलिस वाले पैदा ही करप्ट नहीं होते, बल्कि उनको करप्शन करना ये निज़ाम सिखाता है। ये निज़ाम उनको रिश्वत लेने पर मजबूर कर देता है। बाकी सरकारी मुलाजमीन की तरह पुलिस मुलाजमीन की ड्यूटी भी सिर्फ 8 घंटे तय होती है, लेकिन 8 घंटे की जगह इनसे 12-12, 16-16 घंटे तक ड्यूटी करवाई जाती है बगैर किसी ओवर टाइम के। और नाज़रीन, पुलिस की नफरी इंतहाई कम है। एक पुलिस मुलाजम 2 मुलाजमीन के बराबर एक तनख्वाह पर काम करता है, जो कि करप्शन की बड़ी वजह है। और नाज़रीन, पुलिस मुलाजमीन को कोई खास सहूलियात भी नहीं दी जाती, ना ही इनके रहने की कोई खास जगह होती है, और जिस नाके पर ये ड्यूटी करते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वहाँ पर सर्दी से बचने या गर्मी से बचने का कोई खास इंतजाम नहीं होता। इतनी कम तनख्वाह के बावजूद इन मुश्किल हालात में भी ये डबल ड्यूटी करने पर मजबूर होते हैं। नाज़रीन, पुलिस मुलाजमीन का आए दिन डाकुओं, चोरों, कातिलों और खतरनाक मुजरमों से वास्ता पड़ता है। आए दिन पुलिस मुलाजमीन को धमकियाँ मिलती हैं, इनकी फैमिलीज को धमकियाँ मिलती हैं, इनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आपने हमारे खिलाफ एक्शन किया तो हम आपकी फैमिलीज को नुकसान पहुँचाएंगे। बहुत से पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, बहुत से पुलिस मुलाजमीन को सरेआम रोड पर कत्ल कर दिया जाता है। यही वजह नाज़रीन कि हर साल कई पुलिस मुलाजमीन अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देने की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मुजरमों के पास आला से आला सहूलत दस्तियाब होती है, उनके पास नई गाड़ियाँ होती हैं, उनके पास जदीद असला होता है, जबकि उनके मद्दे मुकाबल पुलिस के पास ना तो नई गाड़ियाँ होती हैं और ना ही इनके पास जदीद असला होता है, और बाज़ औक़ात तो नाज़रीन पूरे पूरे थाने में 1 या 2 गाड़ियाँ दस्तियाब होती हैं। इस सब के बावजूद नाज़रीन, इतने मुश्किल हालात में भी ये अवाम की हिफाजत की खातर ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। और अगर नाज़रीन पुलिस एहलकार किसी मुजरिम को, चाहे वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, उसको पकड़ कर थाने ले आए तो मजबूरन पुलिस ऑफिसर को सियासतदानों और असर रसूख वाले अफराद की सिफारिश की वजह से उस मुजरिम को छोड़ना पड़ता है। और नाज़रीन, अगर पाकिस्तान रेलवे की पुलिस किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर ले जिसने शराब पी हुई है या ड्रग्स इस्तेमाल की हुई है, तो उसका लेबॉरेटरी टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसका लेबॉरेटरी टेस्ट भी पुलिस एहलकार को अपनी जेब से करवाना होता है। उस टेस्ट की कीमत तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये होती है, जो कि पुलिस एहलकार को फौरी तौर पर अपनी जेब से अदा करना होता है, जिसकी वजह से पुलिस एहलकार ये केस दर्ज ही नहीं करता, क्योंकि वो 3 से 4 हज़ार रुपए भला अपनी जेब से कैसे दे सकता है। और नाज़रीन, अगर पुलिस एहलकार गलती से भी किसी बासर शख्स, सियासतदान, वकील, सहाफी को गिरफ्तार कर ले तो फिर तो जैसे क्यामत ही आ जाती है। बेचारे गरीब पुलिस एहलकार को शो काज नोटिस, जुर्माना, ट्रांसफर और बाज़ औक़ात तो सस्पेंड भी कर दिया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, पुलिस डिपार्टमेंट्स में तनख्वाहों का भी इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से बाज पुलिस एहलकार ऐसा से कमतरी का शिकार हो रहे हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि क्या हमारा रवैया पुलिस एहलकारों के साथ दुरुस्त होता है। नाज़रीन, हमारा रवैया भी पुलिस के साथ इंतहाई गैर मुनासिब होता है। हम पुलिस को ना जाने किन किन नामों से बुलाते हैं, चोर, डाकू, बाबा खैर आज़म के नोट वाला और न जाने क्या क्या। और अगर कोई पुलिस एहलकार हमारी किसी गलती की वजह से हमको रोक ले और हमसे कागजात का मुतालबा करे, तो हम उसको कागजात दिखाने के बजाय अपने वालिद साहब का या अपने
رشتہ داروں کا پیشہ بتانا شروع کر دیتے ہیں جو اس کے لیے انتہائی توہین آمیز ہوتا ہے۔ ناظرین عوام کا بھی ایک ہی فارمولہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو پولیس والے کے ساتھ بدتمیزی کرو، اس کو ڈراؤ دھمکاؤ، اس کو کسی نہ کسی کا ریفرنس دو، اگر پولیس اہلکار ڈر گیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر اس کے پاؤں پکڑ کر اس کو رشوت کی آفر کر دو۔ ہم پولیس اہلکار کو ناظرین اتنی بھی عزت نہیں دیتے جتنی کہ ہم اپنے گھر کے کسی ملازم کو دیتے ہیں۔ اگر ہم پولیس والوں سے اخلاق سے تمیز سے بات کریں تو بہت سے پولیس اہلکار ہماری بات سنیں اور ہم کو بھی تمیز اور اخلاق سے ہی جواب دیں۔ اور ناظرین سب پولیس ملازمین ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض رشوت لیتے ہیں تو بعض ایماندار بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کو ایک ہی لیول پر رکھنا اچھا نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کا رویہ ہمارے ساتھ بہتر ہو تو پہلے ہم کو اپنے رویے پر توجہ دینی ہوگی۔ ناظرین ان سب باتوں کے بعد آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اتنی خطرناک ڈیوٹی، اتنی کم تنخواہ، اتنا قرضہ لے کر بھرتی ہونا، کیا اس سب کے بعد بھی پولیس اہلکار رشوت نہیں لے گا؟ اس سب کا قصوروار کون ہے ناظرین؟ اس سب کا قصوروار میں ہوں، اس سب کے قصوروار آپ ہیں، اس سب کا قصوروار معاشرہ ہے جو کہ ان کو رشوت دیتا ہے، اس سب کا قصوروار یہ نظام ہے جو کہ ان کو رشوت لے کر بھرتی کرتا ہے، اس سب کا قصوروار میڈیا بھی ہے جو کہ ان کو بے نقاب تو کرتا ہے لیکن ان کے مسائل کبھی نہیں سنتا، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اس سب کے قصوروار ناظرین اثر و رسوخ والے لوگ، کرپٹ سیاستدان جو کہ پولیس کو گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں، وہ سب ہیں۔ اب ناظرین یہ سب ٹھیک کیسے ہوگا؟ اس سب پر بات کرنے سے پہلے میں بات کروں گا عوام کی کہ عوام کو کیا مسائل ہیں۔ ناظرین وجہ چاہے جو بھی ہو، پولیس اہلکار جتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، کیا اس کو اس مزدور سے رشوت لینی چاہیے جس نے صرف 100 روپے کمایا ہے، جس نے صرف اسی 100 روپے سے گزارا کرنا ہے؟ کیا پولیس اہلکار کو ایک ریڑھی لگانے والے غریب سے رشوت وصول کرنی چاہیے؟ کیا پولیس اہلکار کو ایک ٹیکسی چلانے والے جس نے ٹیکسی کرائے پر لے رکھی ہے اس سے رشوت وصول کرنی چاہیے؟ کیا مظلوم کے پاس رشوت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو دھتکار دینا ظلم عظیم نہیں ہے؟ ناظرین مجرم چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے کپڑے اتار کر اسے زد و کوب کرنا، اس پر تشدد کرنا کیا جائز ہے؟ اور ناظرین کیا ایک مجرم کی وجہ سے اس کے خاندان والوں پر ظلم کرنا، اس کی ماؤں بہنوں سے زیادتی کرنا اور ان کو ننگی ننگی گالیاں دینا جائز ہے؟ کیا ناظرین ایک بے گناہ شخص کو جس نے کبھی جرم نہیں کیا ہو، اسے مار مار کر، اسے ڈرا دھمکا کر کئی کئی جرم قبول کروا لینا انصاف ہے؟ ناظرین پولیس ملازمین کی مجبوریاں اور ان کے مسائل اپنی جگہ پر، کوئی بھی قانون کسی پولیس ملازم کو ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ قانون سے ہٹ کر کسی کو زد و کوب کرے، کسی کو مارے پیٹے، کسی پر ظلم کرے۔ لیکن اب سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا ایسا کیا جائے جس سے یہ سب درست ہو جائے، عوام اور پولیس کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت قائم ہو جائے اور یہ نفرت ختم ہو جائے؟ ناظرین سب سے پہلے ایسا نظام لایا جائے جس سے پولیس کے مسائل حل ہوں، کیونکہ اگر پولیس کے مسائل حل ہوں گے تو ہی وہ عوام کے مسائل دل سے حل کریں گے، تو ہی وہ رشوت لینا چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین ان سب مسائل کو ختم کرنے کے لیے عوام کو اور پولیس کو مل کر اقدامات کرنے ہوں گے، اور ناظرین اس دوری، اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے عوام اور پولیس دونوں کو قدم بڑھانا ہوگا۔ عوام جرم کم کرے، پولیس کی عزت کرے، پولیس کو گالم گلوچ دینا بند کرے اور پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کرے۔ اس کے علاوہ ناظرین حکومت کم از کم پولیس کی تنخواہیں اتنی کر دے کہ وہ باعزت زندگی گزار سکیں، اور پولیس کی بھرتیوں کا نظام بالکل شفاف، رشوت سے پاک ہونا چاہیے، تمام پولیس ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مساوی سلوک ہو، ان کی تنخواہوں میں کوئی فرق نہ ہو جس سے ان میں احساس کمتری پیدا نہیں ہوگی۔ پولیس ملازمین کو بھی اچھی گاڑیاں اور جدید ہتھیار مہیا کیے جائیں، اور ان کی ڈیوٹی کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہو، اور اگر یہ فالتو ڈیوٹی کرتے ہیں تو ان کو اوور ٹائم ملنا چاہیے۔ پولیس کو سیاست سے الگ کر دیا جائے اور اس کو اثر و رسوخ سے پاک رکھا جائے، اور اگر کوئی مجرم کی سفارش کرے تو اس کو بھی مجرم مانا جائے۔ پولیس کو عوام کا مسئلہ، عوام کی پریشانی، اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے حل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین پولیس کو بھی چاہیے کہ وہ گالم گلوچ، غیر انسانی سلوک اور توہین آمیز رویے سے اجتناب کرے، اور سب سے بڑی بات ناظرین کہ اگر ایک پولیس والے کے سامنے دوسرا پولیس والا جرم کر رہا ہے تو وہ پولیس والا اس کو بھی گرفتار کرے، اور ناظرین جب بھی کسی مجرم کو پکڑیں پوری تفتیش اور تحقیق کر لیں کہ وہ واقعی اصلی مجرم ہے۔ اور آخر میں ناظرین پولیس اور عوام کے درمیان موجود نفرت کو ختم کرنے اور فاصلوں کو کم کرنے کے لیے اویئرنیس پروگرام کا انعقاد کیا جائے۔ اگر یہ سب ہو جائے ناظرین تو ہمارا معاشرہ ایک پرامن اور خوشحال معاشرہ، جبکہ ہماری پولیس ایک مثالی پولیس بن جائے، پولیس اور عوام کے درمیان نفرت کا نہیں بلکہ محبت کا رشتہ قائم ہو جائے، اور عوام میں سے ہر شخص پولیس کے لیے ہر وقت جان قربان کرنے کو تیار رہے۔ مزید پروگرام کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور وزٹ کیجیے پبلک ٹی وی میڈیا .com۔